हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल हाइपर ट्रेड एसबी। मैं हूं मोहम्मद सोहेल। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में ओएनजीसी पे मैं आपको सिंगल टारगेट दिया था हमारे एंट्री के बाद। हमारा एंट्री कब हुआ? हमारा एंट्री 166 पे हुआ, जब स्टॉक एक रेंज पे गया। एक रेंज पे जाके स्टॉक ब्रेकआउट को ब्रेक नहीं कर रहा था। मैं बताया दोस्तों, अगर स्टॉक 180 लेवल ब्रेक करके सपोर्ट लेता है तो 190 तक होल्ड करना, और मैं 190 तक ही टारगेट दे रहा हूँ। अभी ओएनजीसी में 190 के टारगेट लग गए। स्टॉक का हाई लगा 198, स्टॉक का फ्राइडे लाइव मार्केट में क्लोजिंग है 195। अभी मुझे ये भी पूछ रहे हैं कि ओएनजीसी और बढ़ेगा क्या, नहीं तो यहाँ से और गिरेगा। दोस्तों, स्टॉक के अंदर आ रहा है डिविडेंड 5 रुपए का ओएनजीसी में। अभी स्टॉक जहां से प्लस लेवल, आप यहाँ पे देखो प्लस लेवल क्या है ओएनजीसी का, 190 है। एंड प्लस लेवल कहां तक जा सकता है? प्लस लेवल 200 तक जा सकता है। अब जब स्टॉक 200 को जाना है तो स्टॉक डिविडेंड के चक्कर में बायर को अट्रैक्ट करके डिविडेंड के लिए स्टॉक बाई करवा के स्टॉक क्या करेगा, ऊपर जाएगा। और हमारे मैट्रिक्स सीरीज के लेवल के बेसिस पे यहाँ पे प्लस 200 लगेगा। यह ऑलरेडी प्लस लेवल एमएसडी में है, जो इंडिकेट करता है कि प्रॉपर सेलिंग, जो थोड़ी दूर ऊपर जाने के बाद प्रॉपर सेलिंग बनाएगा। इसका मतलब स्टॉक अगर होगा तो 200 प्लस लेवल जाएगा, 205 लेवल प्लस जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इससे ज्यादा नहीं जाएगा। यानी 5% का रिटर्न देगा, उससे ज्यादा रिटर्न तो स्टॉक देगा नहीं। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जब इस तरीके से बायर को अट्रैक्ट करेगा डिविडेंड देके, उसके बाद फॉल करेगा। ये बात आप याद रखना, यहाँ पे बायर ट्रैप होने वाला है। तो दोस्तों, बस मेरा सजेशन आपसे ये है कि गेल ओएनजीसी में मेरा जो टारगेट था वो टारगेट लग गया। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा ओएनजीसी में आगे तक होल्ड करने की। दोस्तों, तो यही था मेरा अपडेट ओएनजीसी में। अगर आपको स्टॉक पे एनालिसिस समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।